बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर पी एफ एक्स ये हो देन फाइंड पी, तो आपने पी एफ 1 फाइंड करना है, ठीक है, एंड पी एफ 2। ठीक है, आपने पी एफ 1 और पी एफ 2 फाइंड करने, पी एफ एक्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी एफ 1 फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद पी एफ 2। सबसे पहले हम पी एफ एक्स ले लेंगे, ठीक है, एज इट इज़ उसको लिख लिया। अब पी एफ 1 फाइंड करेंगे तो पी एफ एक्स की जगह 1 कर देंगे, ठीक है, तो इधर भी आपने दोनों जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने 1 कर देना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, ठीक है, पी एफ 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 का स्केयर यानी कि एक्स का स्केयर था तो 1 का स्केयर कर दिया, यहाँ पे एक्स है एक्स कर दिया, और यहाँ पे आपने नीचे भी एक्स की जगह 1 लिख दिया। इसके बाद हम इसके फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो 1 का स्केयर 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि स्केयर का मतलब ये है कि आपके इसके स्केयर के नीचे जो भी चीज़ है उसको दो दफ़ा लिखें, ठीक है, स्केयर मीन्स दो, ठीक है, दो दफ़ा आपने 1 को लिखा और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 1 आ जाता है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने माइनस, और ये जो 1 है ये भी प्लस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है, तो माइनस 5 × 1 = 5, ठीक है, उसके बाद आपके पास प्लस 6 एज इट इज़ और 1 + 1 नीचे 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसको माइनस यानी प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है, तो 6 और 1 ये दोनों प्लस के हैं तो 7 हो जाएंगे, 7 में से 5 निकालें तो 2 बचते हैं, तो नीचे वाला 2 लगाया, ठीक है, अब 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1/1 यानी कि 1 आंसर आया, ठीक है, नीचे हम बटा हम नहीं लिखते 1 को, ठीक है, तो इसका मतलब नीचे इसके 1 ही है, तो पी एफ 1 आपके पास आ गया। अब पी एफ 2 के लिए आपने फिर पी एफ एक्स लेना है, ठीक है, तो पी एफ एक्स ले लिया, इसी तरह एक्स की जगह आपने 2 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ 2 यानी एक्स था वहाँ हमने 2 पुट किया, यानी एक्स का स्केयर है तो हमने 2 का स्केयर बना दिया, ठीक है, एक्स की जगह फिर 2 फिर 2, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 का स्केयर आपके पास 4 होता है, ठीक है, 2 को दो दफ़ा लिखें और उसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को दो दफ़ा लिखा और मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, ठीक है, 2 × 2 = 4। अब -5 × 2 तो 5 और 2 = 10 होते हैं, ठीक है, ये माइनस है और ये इसका भी 2 के साथ भी प्लस है, कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ठीक है, तो 5 × 2 = 10, ठीक है, प्लस 6 एज इट इज़ 2 + 1 = 3, ठीक है, तो अब 6 और 4 = 10 होते हैं, -10 यानी 0 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 0 / 3, 0 / एनी थिंग कोई भी चीज़ हो तो वो उसका आंसर 0 होता है, तो पी एफ 2 आपके पास 0 आ गया।